गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ इट्स अ डे टू इन ऋषिकेश एंड मॉर्निंग 4 बजे से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हमने प्लान किया था कि गंगा स्नान करेंगे, लेकिन इतनी तेज़ बारिश देख के हम लोगों ने फिर प्लान ड्रॉप कर दिया। तो बरसात भी रुक गई है, लेकिन उस टाइम बहुत बारिश थी। ऋषि भी है तो हम लोगों ने सोचा था ज़रूर कि गंगा स्नान करेंगे, लेकिन बारिश ने सारे प्लान हमारे फेल कर दिए। तो 6:30 बजे हमें रिपोर्ट करना है हॉल में, और अभी बज गए हैं 6:30, बस हम निकल रहे हैं। और आज कोर्स का day 1 है, सो लेट्स स्टार्ट आर एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम। इट्स अ day 1, आप भी मेरे साथ साथ मेडिटेट करना। लेट्स गो। बहुत बारिश हो रही है, चलो हॉल में चलते हैं। अभी आज का योगा सेशन इतना कमाल का था। हमें रात में वैसे पता चल गया था कि गंगा किनारे हमारा सेशन होने वाला है, लेकिन मेरी 3 बजे नींद खुली और मैंने देखा इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़, और जहाँ पर सेशन होने वाला था वो सारा गीला हो चुका था। लेकिन फिर भी मैं यही सोच रही थी कि यार काश हो जाए हो जाए हो जाए। जब हम लोगों का सेशन स्टार्ट हुआ तब तक बारिश रुक गई थी, पर पूरा जो एरिया था वो भीग चुका था। बट स्टिल हमने काफ़ी सारा स्टेप्स योगा के अंदर हॉल में किए, एंड देन वी वेंट नियर गंगा। ये हेलीपैड का एरिया है लाइकली, तो यहाँ पे हमने गंगा प्रणाम किया, कुछ कुछ स्ट्रेचेस किए और सूर्य प्रणाम किया। इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, मतलब अगर पूरा सेशन यहाँ होता, साधना यहीं होती, सुदर्शन क्रिया होती, तो कितना मज़ा आता। मुझे तो मतलब मैं यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा उठूँ, गंगा प्रणाम करूँ, सूर्य प्रणाम करूँ, और गंगा किनारे पहाड़ों के बीच में योगा करूँ, मेडिटेशन करूँ। और आज वो मेरा सपना पूरा हो गया गाइज। थैंक यू, आप सब लोग भी मेरे इस सपने को देख पा रहे हो। आई एम लिविंग माई ड्रीम लिटरली यार। ब्रेकफास्ट के बाद सबको कुछ कुछ सेवा के टास्क मिले हुए हैं, किसी को हॉल क्लीनिंग, किसी को रूम क्लीनिंग, किसी को किचन क्लीनिंग, किसी को वेजिटेबल कटिंग। तो अपनी अपनी चॉइस से सब लोग, जिसको जिसको इंटरेस्ट है, सब लोग अपने अपने सेवा में लग गए हैं। यस, मैं भी सेवा कर रही हूँ, बट हाँ ये छोटा छोटा क्लिप आपको दिखाने के लिए कि मैंने क्या क्या किया। सो मैंने यह हूँ इस वीडियो में क्योंकि मैंने ये क्लिप बनाया है। सो हमने घिया कटिंग किया, उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट डेज पे डिफरेंट डिफरेंट सेवा के टास्क मिलते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स। सेवा करने में बहुत संतुष्टि मिलती है। आई टू ईट माई एप्पल, क्योंकि केले से तो पेट भरा नहीं, रूम पे एप्पल पड़ा था तो आई केम टू ईट। तो ये किचन है जहाँ पर सारा खाना बनता है आश्रम में, और बिल्कुल किचन के साथ ही आश्रम में गौशाला भी है, और जो भी सामान होता है गाय के खाने का तो वो यहाँ पे ये लोग साथ साथ फ्रेश डालते हैं। सो गौ माता की जय हो। बारिश के बाद का वेदर देख रहे हो गाइस, इतना क्लियर, इतना क्लीन, इतना क्लासिक। Really enjoying this weather. बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग में, तो इतनी बारिश में कैसे सर्वाइव करेंगे, घर वालों को क्या बोलेंगे। मुझे पहाड़ दिख गए हैं, बहुत ढूंढ रही थी पहाड़ों को, ग्रीन वाले पहाड़ों को, सो फाइनली दीज आर हेयर। ब्रेक मिला है, 2:25 पे वापस जाना है, तो अभी 2:17 हो गई है, तो फुल टाइम यूटिलाइजेशन हो रहा है। गंगा किनारे आके मजा लिया जा रहा है इस वेदर का प्योरली। और कावड़ यात्रा है तो देख सकते हो, बम बम भोले हर जगह सुनाई दे रहा होगा आपको, हर हर महादेव। आई एम रियली लकी कि सावन के महीने में मैं यहाँ आके कोर्स कर रही हूँ। बिल्कुल आश्रम के सामने गंगा बह रही है। बड़ी बात, पहले दिन कोर्स के एकादशी का व्रत भी है, और बिल्कुल सात्विक भोजन, प्योरली सात्विक खाना, और ध्यान करना, गंगा किनारे आना, कोर्स करना, इट्स मतलब ये किस्मत नहीं तो क्या है गाइस, लक तो है ना ये। आई एम सो लकी कि मैं यहाँ आई। भीड़ दिखाती हूँ आपको।
बहुत दिन के बाद ऋषिकेश में धूप निकली है, क्लैरिटी आ जाती है यार मौसम में आफ्टर बारिश, जब धूप निकलती है मौसम इतना क्लासिक होया हुआ है, इतनी तेज हवा चल रही है देख सकते हो आप, बहुत मस्त मौसम हो रखा है यहाँ पे, देखो कितना क्लासिक है। धूप के लिए तरस गए थे यहाँ पे हम लोग, सारी मार्केट है तो फायदा हो गया ना आने का, मार्केट है गंगा है तो मौज कर रही हूँ मैं तो यहाँ पे, एकदम मेमोरेबल कोर्स हो रहा है मेरे लिए तो, ये इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। आगे नहीं जाते हैं क्योंकि 2:20 हो गए हैं, फिर आगे जाके टाइम भी लगता है और अकेले अकेले थोड़ा सा डर भी लगता है, वैसे तो नहीं डरती मैं बट ये कावड़ यात्रा की वजह से थोड़ा सा स्कैरी सा हो जाता है क्योंकि बहुत टाइप के लोग आते हैं ना। वेरी मैंडेटेड टू सेव द एनर्जी जो हमने ग्रैब किया मेडिटेशन करके। तेज धूप निकली हुई है गाइज आप देख सकते हो, धूप निकल ही गई है तो 2 दिन बाद हम सब ये प्लान कर रहे हैं कि आज तो गंगा स्नान कर ही आए, हमने सबने अपने बैग में कपड़े रख लिए हैं ताकि हम वहाँ पर जाएं और अपना अच्छा से स्नान को इंजॉय करें, और मैंने ये टी शर्ट भी ऐसे हल्की सी पहन ली ताकि, क्योंकि धूप है बरसात है मौसम का कुछ पता नहीं चलता, ताकि कपड़े टाइमली सूख भी जाएं, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, लेकिन वेदर बहुत क्लासिक है, धूप भी है तो प्यारी लग रही है क्योंकि इतने दिन के बाद जब कहते हैं ना कितने दिनों की रातों के बाद जब सूरज निकलता है तो बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, वैसा वाला माहौल हो रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी ऋषिकेश में आके गंगा स्नान नहीं किया तो यार क्या किया। आज धूप निकली है तो हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने, यार कितनी तेज धूप है, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं यहाँ आई गंगा स्नान के लिए हूँ, गंगा किनारे बैठने के लिए, और जब ग्रुप में होते हैं ना सत्संग साधना सब बढ़ जाता है हमारा, मतलब डबल हो जाता है, चाहे आप सेवा करो साधना करो सत्संग करो क्रिया करो कुछ भी करो डबल। आर्ट ऑफ लिविंग का दूसरा आश्रम अपोजिट टू जानकी झूला जो कि त्रिवेणी घाट के पास है, एंड ये आर्ट ऑफ लिविंग का खुद का आश्रम है, सो ये भी बहुत प्यारा है। मैं इसके अंदर गई बट समहाउ आई फॉरगॉट टू कैच द वीडियो बट इट इज जानकी झूला के अपोजिट दोनों साइड पे आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम है, तो हमने वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में भी गए देखा वहाँ पे। अब हमारा प्लान है कि हम लाइव गंगा आरती देखने वाले हैं, सो अभी बजने वाले हैं 7:07 एग्जैक्ट शुरू हो जाती है, मतलब बिल्कुल भी 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होता है, तो अभी थोड़ा टाइम है 7 बजने में पहले सत्संग वगैरह। जानकी झूला के अपोजिट दोनों साइड पे आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम है, तो हमने वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में भी गए देखा वहाँ पे। अब हमारा प्लान है कि हम लाइव गंगा आरती देखने वाले हैं,
सो अभी बजने वाले हैं 7, 7 बजे एग्जैक्ट शुरू हो जाती है, मतलब बिल्कुल भी 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होता है। तो अभी थोड़ा टाइम है 7 बजने में। एकादशी का फास्ट भी था और गंगा किनारे जाके मैं ये सब भूल गई, वरना एकादशी के दिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, थोड़ा लो फील होता है। बट आज ऐसा लिटरली कुछ नहीं हुआ। सो डिनर में हमें ये आलू मिले एंड साबूदाना भी था, सो मैंने बड़े मज़े से खाया और मुझे हल्की हल्की भूख लग रही थी इसके बाद, बट सत्संग सुनने के बाद सब ठीक होने वाला, आई नो दैट। जैसे हम लोगों का एक रूटीन सा ही बन गया हो कि रात को डिनर के बाद हमें यहाँ गंगा किनारे आना ही आना है, तो हम लोग यहाँ डिनर करते ही हमेशा चले जाते हैं रात को 8:30-9 बजे के आसपास, और फिर 1 घंटा सभी शांत मन से गंगा किनारे बैठते हैं बस। आज का वीडियो यहीं तक गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अब अगले 3 दिन मैं रहने वाली हूँ मौन में, तो जितने भी वीडियोस हैं अगर वो आए तो साइलेंस रहेंगे बिल्कुल, और हो सकता है कि ना भी आए तो स्टिल भी इसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं लास्ट डे ज़रूर शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।